ऑयल लगाने से बाल बढ़ जाएंगे कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि ऑयल लगाने से बाल बढ़ जाएं, और वो जो ऑयल लगा लगा के पूरी पूरी रात सो जाते हैं उसका भी कोई फायदा नहीं है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, चीजें ब्लॉक हो जाती है। आप बताएं आपने लास्ट टाइम कब ऑयलिंग करवाई थी सर की? शायस्ता मेरा ख्याल है मेरे सर की ऑयलिंग हुए 5 years से हो गए हों। ओह माय गॉड, मेरे उससे भी ज्यादा। आप रिजल्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, अगर ऑयलिंग से बहुत कुछ फर्क पड़ता होता। डॉक्टर फजीला आपने कब करवाई होगी? मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैंने बताया नहीं, इनसे भी ज्यादा, मुझे तो इयर्स भी याद नहीं है मैंने कब। मैं 5 years पहले, मुझे इसलिए याद है कि लाइक यू नो आई वाज वेरी सिक और मेरी सर्जरी हुई थी, तो वो जो मेरी मेड थी बेचारी वो मेरी केयर में रिलैक्स करने के लिए आपकी सर्कुलेशन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, बस दिस इज इट। हम कॉल लेनी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ सबन सारी मौजूद हैं, स्टाइलिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर फजीला मौजूद हैं। इनसे आप स्किन के हवाले से, नेल्स, हेयर एंड स्पेशली सबाल से आप अपने ईद के जो एक 11th hour की आपकी तैयारियां होती हैं ना, स्पेशली रिगार्डिंग हेयर एंड नेल्स, वो आप सारी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं इनसे। और बाय द वे हमारे पास आज हर कॉलर को देने के लिए माज जी के गिफ्ट शॉपिंग वाउचर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास अब आपकी मर्जी है, आप बेल्स एंड बेल्स का गिफ्ट हैम्पर लेना चाहें जिसमें ईद से रिलेटेड आपके लिए कुछ चीजें जीएमपी ने रखी हैं और वो आपको हम देना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर कौन है। ये मैंने जो गिफ्ट बताए हैं वो टेलीफोन के लाइक कॉलर्स के लिए हैं, SMS सेंडर्स जो हैं उनके लिए तो मुख्तलिफ हैं, वो मैंने आपको बताया ही है। पहली नहीं, इस सेगमेंट की पहली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम निघत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निघत, क्या हाल जी? निघत बोल रही हूँ, डॉक्टर शाइस्ता जी, क्या हाल चाल है निघत? हाँ जी अल्लाह का शुक्र, आप लोग तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे डॉक्टर फजीला से पूछना था, मेरी एज 39 years है, और मुझे डॉक्टर फजीला से पूछना था कि आंखों के नीचे जो स्वेलिंग आ जाती है उसका क्या करें? अच्छा, ये ठीक है, आई बैग्स की बात कर रहे हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। वैसे आई बैग एट डिपॉजिट्स होते हैं जिसके लिए कि आपको, अगेन मैं बार बार कैमरे में देख लेती हूँ, फैट डिपॉजिट्स, या तो आपके कई दफा फैमिलीज में रन करते हैं आपके आई बैग्स, उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन की ही हेल्प चाहिए होती है जिसे ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके वहां से फैट डिपॉजिट निकाल दिया जाता है। नंबर पे देखा हो? अच्छा देखा आई बैग्स, हाँ वो ना आईज के अंदर दिया उन्होंने और उन्होंने वहां से फैट निकाला, उसके बाद आप सोचे वो निक देके उसकी लास्ट लाइन पे निक देके वो फैट क्यों डाल दिया? नहीं, उसका अपना फैट है, यहाँ से वहाँ चला गया। हाँ अच्छा, और इवन लाइपोसक्शन के बाद भी यही करते हैं, लाइपोसक्शन के बाद लेटेस्ट ट्रेंड फैट ट्रांसफर विच इज गुड, यस अपने ही फैट यहाँ से यहाँ डाल दो। वैसे दैट्स अ वेरी गुड थिंग ना, कोई 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 और किसी और की का चीज वो नहीं जा रही है, डोनर की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं जी ये चीज तो बिल्कुल गलत है और उसमें ये डाल देते हैं और वो डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें भी साइड इफेक्ट उसका ये आ सकता है कि फैट निक्रोसिस हो सकती है, तो जैसे भी बड़े पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, अच्छा जी प्लीज एक तो इसी से एक टॉपिक क्योंकि चल पड़ा है, अपने ब्रेस्ट में मैं खवातीन को अवेयरनेस देना चाहूंगी कि ब्रेस्ट में कोई चीज इंजेक्ट मत करवाएं, चाहे वो हाई इतना चल रहा है, और प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं है, लोग बोल रहे हैं ऐसी बातें करी हैं स्क्रीन पे, प्लीज ये बताना चाहिए। मैं जरूरी है इंजेक्शन डाल रहे हैं क्या कर रहे हैं? कैंसर बड़ा कॉमन हो रहा है सबा पाकिस्तानी खवातीन में, ब्रेस्ट कैंसर इज बिकमिंग वेरी कॉमन, और जो अगर आपको बताता है कि मैं आपका ब्रेस्ट का साइज बड़ा कर दूंगा मुझे आप फिलर डालने दें अंदर, नो, नंबर वन। नंबर टू, इवन फैट ट्रांसफर को भी अगर आप देखें तो अभी जो लेटेस्ट स्टडीज आ रहे हैं कि आप फैट ट्रांसफर भी नहीं कराएंगे, बिकॉज जब आपको कैल्सिफाइड नोड्यूल्स बनना शुरू होते हैं आपके ब्रेस्ट टिश्यू में, और आप अगर मेमोग्राफी भी करना चाहें या करें तो आपको पता नहीं चलता कि ये वो वाला ये आपका कैंसरस लंप है या ये फैट ट्रांसफर हुई थी या ये वो जो फिलर है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दैट। अगर आप बहुत शौकीन है या कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसमें या तो सिलिकॉन इम्प्लांट करवा लें, जो एक जगह पे पड़ी है हमें पता है कि इस जगह पे पड़ी है, वो वेल डिफाइंड एक पाउच में पड़ी है, या फिर आपके पैसे थोड़े ज्यादा खर्च हो जाएं, या आपको यहाँ पाकिस्तान में उनको उन डॉक्टर्स को जो कर रहे हैं इम्प्लांट उन्हें ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन प्लीज ये सस्ते तरीके ना करें क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए सस्ता नहीं है। फिलर कितने के होंगे यार? 10,000 होंगे, 15,000 लाख के, 3-3 लाख का फिलर है।
आपके, और वो सिर्फ वन ईयर तक रहता है ज्यादा से ज्यादा, और साथ आप अपने आप को अगर खुदा ना खास्ता आपके फैमिली के अंदर आपके ब्रेस्ट कैंसर हिस्ट्री है, आप अपने आप को यू नो बे इल्मी के अंदर आप अपने आप को कितना प्रोन कर रहे हैं, कितना वनरेबल कर दिया आपने। नहीं लेकिन मैं क्वेक्स की प्रैक्टिस आपको बता दूं, मैंने कुछ ऐसे मेरी अपनी फ्रेंड जैसी बात हो रही थी तो उन लोगों ने बताया कि 15,000 के इंजेक्शन जो है वो ब्रेस्ट में डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, और ये यार कैसी मतलब बगैर पढ़े हुए बगैर जाने हम कोई प्रोसीजर कैसे करा सकते हैं अपने ऊपर। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं शायस्ता कि हम लोग जो है ना आजकल शॉर्टकट, हाँ, कि किसी भी चीज का शॉर्टकट मिल जाए और उस पे जाके हम करा लें, प्लीज ये तो हमेशा रिक्वेस्ट बहुत सही बात है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कोई कॉस्मेटिक प्रोसेस से गुजरना चाहते, कोई प्रोसीजर अपने ऊपर कराना चाहती हैं, ठीक है आप जरूर कराएं, लेकिन एटलीस्ट हाँ पूरी रिसर्च पढ़ के रिसर्च करके कि नेट पे उसके लिए क्या लिखा है, एग्जांपल्स क्या हैं, लोग जो जिन्होंने कराया वो क्या कह रहे हैं, बगैर आंख बंद किए आप कैसे करा सकते हैं अपने ऊपर। और जैसे क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाके, क्वालिफाइड वेरी इंपॉर्टेंट जी, एक MBBS डॉक्टर कोई स्पेशलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हाँ, जब तक कि अगर डर्मेटोलॉजी वही प्रैक्टिस करेगा जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज की है उसके ऊपर, तो वो आपको सही बात बताएगा। जो एक कॉल तो अगर नहीं आ गई तो उनके सवाल उधर ही रह गया। अच्छा सॉरी हम कॉल लेते फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं वेश सांगर से कॉल है। ओके गुड मॉर्निंग सांगर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जी बताइए मैं वेश। शायद मुझे क्वेश्चन करना जी, पिंपल्स हैं ओके, तो उनको कोई सॉल्यूशन वगैरह बता दें, और डॉक्टर सभा से क्वेश्चन करना था कि क्या मैं उनके ऊपर क्लींजिंग वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ। क्लेंजर अप्लाई कर सकती हैं, हाँ क्यों नहीं, पिंपल बिल्कुल। ओके जी सबा पहले आप बता दें। इन्होंने भी कहा कि इनके पिंपल्स हैं और वो डॉक्टर फजीला से उसके बारे में पूछना चाहती हैं, और मुझसे उनका क्वेश्चन था कि वो क्लेंजिंग के बारे में पूछा जा रही है कि अगर पिंपल्स हैं तो वो क्लेंजिंग कर सकती हैं। यस ऑफ कोर्स कर सकती हैं, लेकिन उनको ये देखना पड़ेगा कि वो क्लेंजर कौन सा यूज कर रही हैं। वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लेंजर यूज करें, और फर्दर उनका जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं डॉक्टर फजीला को रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने सुबह अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मैगजीन पढ़ी थी तो उसमें, जिसमें मैंने अभी सुबह को भी यही बताया, उसी वहां पढ़ी थी तो वहां से यहाँ छापा मारा मैंने कि किस तरह से उसने बताया हुआ था उनकी मेकअप कंसल्टेंट ने कि किस तरह से उसको आप पहले आप कंसीलर लगाएं और उसके बाद जो पाउडर है कॉम्पैक्ट वो उंगली से लेके फिर आप वो लगाएं तो exactly. वो बिल्कुल एकदम वो कंसील हो जाता है, फिर वहां पे वो नहीं होता कि आपको कि वो एक अनइवन सरफेस और वो चीज नहीं फील होती, वो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि कंसीलर को आपने लिया उसको हल्के हल्के से लगाया और उसके बाद बिल्कुल लूज पाउडर लें और उसको वो पूरा एक ही सब बहुत बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। एक तो लूज पाउडर से शायद वो केकी लुक नहीं आता, हाँ, तो वो बड़ा अच्छा उसका हाँ, रिजल्ट होता और है। और हमारे यहाँ अगर स्मूथ स्किन है आपकी इतनी ऐसी ज्यादा नहीं है जहाँ आपको पेस्टी वाली बेस लगाने की जरूरत, तो प्लीज कंसीलर और कॉम्पैक्ट पाउडर से लूज पाउडर से गुजारा कर सकते हैं। अच्छा इनकी स्किन में अभी जैसे क्लेंजर्स की आप बात कर रहे थे तो बिल्कुल जैसे कहा क्लेंजिंग आप जरूर करोगे, और क्योंकि आपकी अगर ऑयली स्किन है, बिकॉज यूजुअली एंड मोस्टली अगर आपके एक्नी प्रोन स्किन है इसका मतलब वो ऑयली स्किन है, तो आप वो वाले क्लेंजर्स देखोगे जो वाटरी होते हैं। वाटरी मींस के उसके अंदर अल्कोहल है, उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, शायद बेंजोइल पेरोक्साइड है। जो मिल्की क्लेंजर्स हैं उनसे आप दूर रहोगे अगर आपकी ऑयली स्किन है, ठीक है। एक तो बड़ी एक मोटी मोटी चीज आपके लिए। नंबर टू ये कि मेकअप में जैसे आप ये बात करें कि आप मिनरल मेकअप, आई डोंट नो सांगर में मिनरल मेकअप है कि नहीं, अगेन एक्नी प्रोन स्किन और ऑयली स्किन के लिए। वैसे तो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये है कि चाहे आपकी किसी भी तरह की स्किन टाइप है, द लेटेस्ट ट्रेंड इज टू स्टिक विद द रॉ मिनरल्स, मिनरल मेकअप। वो आपके अंदर ट्रेवल नहीं करता। अगेन जी, द स्किन इज अ लिविंग ऑर्गन। पोर्स का मतलब ये है कि हर स्किन का जो आपको एक एक आपको निशान या एक सुराख सा नजर आता है, वो बाहर अगर उसका एग्जिट पॉइंट है तो अंदर एंट्री एंड एग्जिट भी है। तो इसका मतलब है कि कई दफा ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपके, जैसे हम कहते हैं पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, दे आर वेरी राइट। और मिनरल्स आपके स्किन को चोक नहीं करता, सफोकेट नहीं करता, दे स्टे ऑन द स्किन, अंदर ट्रैवल करता है। मिनरल मेकअप कह लें, आप अगर अच्छे ब्रांड्स उठाते हैं, बेहतर ब्रांड्स हैं, तो उनमें आपको ऐसे मेकअप भी मिल जाते हैं जो पोर्स ब्लॉक नहीं करते, ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर्स, ऐसे कंट्रोल लिखा होता है, हाँ लिखा होता है कि आपके, लेकिन वो अगर थोड़े से आपकी रेंज से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है तो आप फिर मिनरल कह के मिनरल कॉस्मेटिक्स।